अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट लाइन एप्टीट्यूड क्वेश्चंस ई कैट डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस जो कि एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं। स्ट्रेट लाइन के टॉपिक के हवाले से मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर ज्योमेट्री का टॉपिक है। पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास वो है द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 3.2 एंड 7.5, यानी ये x1 है ये x2, ऐसे ही है ना? नहीं, गलत है। देखिए ऑर्डर पेयर के अंदर हमेशा याद रखिएगा एक x होता है और एक y होता है, x1 x2 नहीं होता, यानी दोनों x ही नहीं होंगे, एक x कोऑर्डिनेट होगा दूसरा y होगा। अच्छे समझते हैं, ये x1 x2 है, ये y1 y2, वहीं पे गलत कर कर आ जाते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो दिमाग में रखना है x1 3 है, y1 2 है, x2 7 है तो y2 5 है। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपके सामने मौजूद है। जैसे मैंने अप्लाई किया 7-3 x2 x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर, आंसर मेरे पास कुछ आया 5, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स हमने निकाला। नंबर 2, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 2.4 एंड 4.0। एक लाइन सेगमेंट है जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता है, मिड पॉइंट निकालना है। कैसे निकालते थे याद आ रहा है? एवरेज लेते थे x के कोऑर्डिनेट्स को और y के कोऑर्डिनेट्स को, 2 से डिवाइड करते थे, बिल्कुल वही कहानी करेंगे। x1 plus x2 divided by 2, x1 है 2, x2 है 4, 4 plus 2 6, 6 divided by 2 3। अब 3 के तो मुझे बहुत सारे दिख रहे हैं, y में देखते हैं 4 plus 0 4, 4 divided by 2 2, तो आंसर आएगा मेरे पास क्या आएगा आंसर 12, 3.2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। तो मिड पॉइंट हम बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स गिवन है 8.6 एंड -5.8 is divided into 5:8, m1 m2 ratio given है ये, and passes through y axis, यानी एक लाइन सेगमेंट है जो गुजर रही है या ये कह लें कट कर रही है किसको, y axis से पास हो रही है, हमें बताना क्या है, find the coordinate of x division। जब लाइन इससे पास हो रही है x y axis से, तो y axis पर x की तो कोई भी वैल्यू नहीं होती, उसने इतना सारा सवाल में हमें डेटा दे दिया। अगर अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लें और अगर हम देख लें कि y एक्सिस पे तो x कोई वैल्यू होती नहीं है, x तो जीरो ही होता है, फिर हमसे सवाल में पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ x डिवीजन। तो जब y एक्सिस पर x की वैल्यू ही नहीं होती तो x कैसे डिवाइड करेगा इस लाइन सेगमेंट को, तो x की वैल्यू होगी जीरो क्योंकि y एक्सिस पर x एक्सिस की कोई भी वैल्यू नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, इफ द लाइन सेगमेंट -8.10 एंड 6.-4, फिर दो एंड पॉइंट गिवन है लाइन सेगमेंट के, पास हो रही है अब x एक्सिस से, यानी x एक्सिस पर क्या जीरो होता है, इसकी वैल्यू जीरो होती है, y एक्सिस की वैल्यू जीरो होती है। आगे सवाल देखते हैं, आप कह रहे हैं फाइंड करें वैल्यू m1:m2 की, यानी कि यहां से y कोऑर्डिनेट डिवीजन के पॉइंट नहीं पूछ रहा, कैसे करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास मौजूद था, रेशियो थ्योरम का इस्तेमाल होगा क्योंकि लाइन सेगमेंट डिवाइड हो रही है m1 m2 रेशियो से, तो रेशो थ्योरम इस्तेमाल करो। मैंने y वाला वैल्यू ली क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, y की जगह जीरो रख दूंगा, बाकी पॉइंट्स डाल दूंगा x1 y1 और x2 y2 की जगह, और m1 m2 मुझे निकालना है। कैसे निकालूंगा, बड़ा सिंपल है, y की जगह जीरो क्यों रखा, क्योंकि लाइन पास हो रही है x एक्सिस से, x एक्सिस पर y की वैल्यू जीरो होती है, y2 -4 आ गया, y1 10 आ गया, ये डिनोमिनेटर का पूरा जीरो हो जाएगा और यहां से मेरे पास जो रेशियो आया दैट इज 5:2, 5:2 से लाइन डिवाइड होगी। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया, रेशियो थ्योरम। किस कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, बिकॉज़ y जीरो है हमारे पास और लाइन पास हो रही है x एक्सिस से, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट 5-2 एंड 3.6। स्लोप का बहुत आसान सा फॉर्मूला है, y2 - y1 / x2 - x1। अब y कौन सा है यहां पर, y2 कौन सा है, 6, 6 माइनस का माइनस 2, डिनोमिनेटर में लिखेंगे x2, 3 माइनस का 5, और यहाँ से ऊपर वाला हो जाएगा 8 न्यूमिनेटर का आंसर, नीचे वाला हो जाएगा माइनस 2, 8 माइनस 8 डिवाइडेड बाय माइनस 2, आंसर आएगा माइनस का 4। तो लाइन सेगमेंट का स्लोप है माइनस का 4, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, अगर एक स्लोप है मेरे पास 1 और दूसरा स्लोप है मेरे पास -1, तो कह रहे हैं कि टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ, ये दो लाइन के स्लोप है और उन दो लाइनों के दरमियान मुझे एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, फॉर्मूला मौजूद है, ऑप्शन देखते हैं पहले। ये चार ऑप्शन है मेरे पास,
फॉर्मूला है एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम टू। दूसरा स्लोप है माइनस वन, पहला स्लोप है वन, माइनस करवा दिया दूसरे स्लोप से, डिनोमिनेटर में वन प्लस प्रोडक्ट ऑफ द टू स्लोप, आंसर मेरे पास आया माइनस टू अपॉन जीरो। थ्री डिवाइड बाई जीरो, फोर डिवाइड बाई जीरो, माइनस टू डिवाइड बाई जीरो, कोई सा भी नंबर जीरो से डिवाइड होता है तो आंसर मेरे पास आता है इनफिनिटी, इनफाइनाइट आंसर आता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सेवन, द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग दो एंड पॉइंट फिर से पता है, 3.3 और 2.9। स्लोप पता है हमें माइनस टू है, द स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 3.3 एंड 2.9 इज माइनस टू। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ये जो सी है ना इसकी वैल्यू बता दो। अब ये सी है क्या? तो बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है ये सी है बाय वन, और बाय टू की वैल्यू मुझे पता है 9। मुझे बाय वन की बेसिकली वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करूंगा स्लोप का फॉर्मूला लगाऊंगा, ऑप्शन चार मौजूद है मेरे पास। सॉल्यूशन में गया, स्लोप का फॉर्मूला मेरे पास मौजूद है वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, डिनोमिनेटर में जो आता है मुझे निकालनी है वाई वन की वैल्यू, और वाई वन को रिप्लेस करा हुआ है सी से, तो निकालते हैं स्लोप की वैल्यू कितनी है, माइनस टू रख दी, माइनस टू नाइन माइनस सी टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री होता है माइनस वन, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होगा माइनस टू से, नाइन माइनस सी, सी की वैल्यू कुछ इस तरह आएगी नाइन माइनस टू, और सी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी सेवन। या सी की वैल्यू कहें या वाई वन की वैल्यू कहें तो मेरे पास सी की वैल्यू आ गई डेट इज सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर है ऑप्शन सी सेवन। क्वेश्चन नंबर एट, द स्लोप ऑफ लाइन एल वन विच इज पैरेलल टू द लाइन एल टू, वो स्लोप इज 1/3। अब देखिए मैंने आपको एक बात बताई थी, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप भी आपस में बराबर होते हैं, आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर एक लाइन का स्लोप है 1/3, अगर एक लाइन का स्लोप है 1/3 और वो दूसरी लाइन के पैरेलल है तो दूसरी लाइन का स्लोप भी 1/3 होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर नाइन, बहुत आसान सवाल, अभी देखा, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन इज नोन एज सर्कमस्क्राइब एल्टीट्यूड सेंट्रोइड इंटरसेक्शन। मीडियन की बात हो रही है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। दो बातें दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल आर 2.4, 3.-4 एंड 4.3। क्या निकालना है मुझे? एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है सेंट्रोइड का। कैसे निकालूंगा? क्या फॉर्मूला था? सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, y कोऑर्डिनेट नहीं पूछ रहा, तो सिर्फ x की वैल्यू की जरूरत होगी। फॉर्मूला था x बराबर x1 plus x2 plus x3 divided by 3, ट्रायंगल की तीन साइड होती है इसलिए 3 से डिवाइड करते हैं। x1 है मेरे पास 2, x2 है मेरे पास 3, x3 है मेरे पास 4, 2 plus 3 5, 5 plus 4 9, 9 by 3 3, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। x कोऑर्डिनेट पता चल गया मुझे सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल का, दैट इज 3। फॉर्मूला दिमाग में रखना सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल का, y बोलता तो y के कोऑर्डिनेट्स लेते लेकिन हमसे पूछा गया x कोऑर्डिनेट। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द y इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन। y इंटरसेप्ट का मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 है, लाइन पास हो रही है y से, x की वैल्यू 0 है, इक्वेशन में x की वैल्यू 0 डालूंगा मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। डाल के देखते हैं, x की वैल्यू 0 इक्वेशन में डाली मुझे y की वैल्यू मिल गई -6। तो y इंटरसेप्ट मुझे पता चल गया इस इक्वेशन का, दैट इज -6, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। यानी कि जब y की वैल्यू -6 होगी तो ये लाइन उस वक्त पॉइंट इस पॉइंट से पास कर जाएगी, यानी इस y के पॉइंट से पास कर जाएगी, और x क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, द स्लोप ऑफ y एक्सिस इक्वल्स टू, y एक्सिस पर किसकी वैल्यू नहीं होती, x एक्सिस की वैल्यू नहीं होती, चार ऑप्शन गिवन है y2-y1 x2-x1, x एक्सिस की वैल्यू नहीं होती 0 लिख दिया। y एक्सिस की अब जितनी भी वैल्यू हो जब वो 0 से डिवाइड होगा या डिवाइड होगी तो आंसर क्या आएगा मेरे पास, इनफिनिटी। अभी चेक कर आया, तो y एक्सिस पर तो x एक्सिस की वैल्यू ही नहीं होती, तो स्लोप y एक्सिस का, क्योंकि y एक्सिस भी तो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, उसका भी तो एक स्लोप निकल सकता है, तो इस वजह से y एक्सिस का स्लोप हमारे पास होता है इनफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 13, द कंडीशन सेटिस्फाइज प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप बराबर है -1 के इफ टू लाइंस आर पैरेलल्स
परपेंडिकुलर एट सम डिस्टेंस नन ऑफ दीस। जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप बराबर होता है माइनस वन के। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। 40. इन व्हाट रेशियो डज द लाइन, लाइन के दो पॉइंट गिवन है 2 माइनस 2 4 कॉमा 1 कट बाय द पॉइंट माइनस 7 बाय 3 कॉमा 0। हमसे पूछा जा रहा है कि ये पॉइंट कितने रेशियो से इस लाइन को डिवाइड करेगा। रेशियो थ्योरम अप्लाई होगा। रेशियो गिवन है, मुझे निकालना क्या है m1 रेशियो m2। सॉल्यूशन में गए क्योंकि मुझे y, अब देखें y 0 दिख रहा है, x 0 नहीं है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, y कोऑर्डिनेट वाला। x कोऑर्डिनेट से भी हो जाएगा मगर आसानी करेंगे ना, जल्दी से करना चाहेंगे हम सब। एक मिनट के अंदर एप्टीट्यूड में हमें क्वेश्चंस करने चाहेंगे, एक मिनट से पहले हो जाए तो और अच्छी बात। तो y वाला इस्तेमाल करेंगे, y की वैल्यू 0 रख देंगे क्योंकि कट कौन सा पॉइंट कर रहा है, सिर्फ x ही कर रहा है, y तो कर ही नहीं रहा, y 0 है, तो ये डिनोमिनेटर भी 0 हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा जब y से। 0 मल्टीप्लाई बाय m1 प्लस m2, यहां से मुझे रेशियो मिल गया m1 रेशियो m2 बराबर है माइनस 2 रेशियो पर। इतने रेशियो से ये लाइन डिवाइड होगी इस पॉइंट के थ्रू माइनस 7 कॉमा 3 कॉमा 0 से।